नमस्कार glibz.in में आपका स्वागत है। महासमुंद और गरियाबंद जिला सीमा पर महासमुंद यातायात पेट्रोलिंग दल का अपना दबदबा दिखाकर वाहन चेकिंग एक लंबे समय से करते आ रहे हैं, जब अचानक महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा और glibz संवाददाता शेख इमरान मौके पर पहुंचे तो क्या हुआ देखिए। यातायात चेकिंग के नाम पर होने वाले कारनामों का सबसे बड़ा खुलासा इस खास रिपोर्ट में। जिला महासमुंद में यातायात वाहन चेकिंग के नाम पर होने वाले धंधाली और काला कारोबार किसी से छुपा नहीं है। कई बार यातायात पुलिस के कारनामों का पर्दाफाश हो चुका है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है महासमुंद और गरियाबंद जिला सीमा से लगे ग्राम शेर गांव से, जहां एक लंबे समय से महासमुंद यातायात पेट्रोलिंग में लगे पुलिस वाले आए दिन बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, तीन सवारी के नाम पर वाहन चेकिंग करते हैं। राहगीरों ने परेशान करने का भी आरोप लगाए हैं, क्योंकि यातायात पुलिस की कार्यवाही को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों को देख राहगीरों में इतना दहशत है कि दूर खड़े होकर यातायात पुलिस वालों के जाने का इंतजार घंटों खड़े होकर करते हैं, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ राहगीरों ने पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यवाही के नाम पर अवैध वसूली भी करते हैं। अब जरा इस तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करें कि क्या यातायात पुलिस वाले वाहन चेकिंग की कार्यवाही गंभीरता से कर रहे। जी बिल्कुल नहीं। तस्वीर से साफ है कि जो कमजोर वाहन चालक है उन्हें वाहन चेकिंग के नाम पर रोका जा रहा है और कुछ लोगों को आसानी से जाने दे रहे हैं। जरा महासमुंद पुलिस अधीक्षक भी देख ले कि क्या जिला सीमा पर यातायात पुलिस की वाहन चेकिंग करने का तरीका सही है। हैरानी की बात ये है कि वाहन चेकिंग में लगे ASI ने बताया कि पास के ग्राम शेर गाँव वालों को छोड़ देते हैं और बाहर वालों पर कार्यवाही करते हैं। तो क्या गांव वालों के लिए अलग कानून है और राहगीरों के लिए अलग कानून। मौके पर जब संवाददाता शेख इमरान पहुंचे तो वाहन चेकिंग में लगे यातायात पुलिस वालों की कारनामों का खुलासा होने में देर नहीं लगी। देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि यहां से लगभग ज्यादा दूरी पर नहीं, मैं लगभग अगर कहूं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है, वहां जो है वो जो रोड है ओडिशा को जोड़ती है। और चूंकि ये जो मार्ग है ये राजिम को जोड़ती है, महासमुंद से राजिम को, और यहाँ पे पेट्रोलिंग टीम है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस नियम के तहत, किसके आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? अश्वनी तिवारी जी। तिवारी जी, यहाँ पे किस चीज़ का चेकिंग चल रहा है? वाहनों की चेकिंग चल रहा है। कैसे वाहन चेकिंग? कोई भी वाहन हो, कोई भी, कैसे? ये यातायात पुलिस है, यातायात पुलिस बाइक है, कार है, ट्रक है, किसी भी गाड़ी का भी हो, लाइसेंस बाइक है तो हेलमेट। अब तक तो ये बताएंगे किनका आदेश है यहाँ इस स्थान पर, क्योंकि बॉर्डर है, दोनों जिलों का बॉर्डर है। हमारे DSP साहब हैं। तो आप मुख्य मार्ग में क्यों नहीं करते इसको? मुख्य मार्ग में भी होता है, सवेरे होता है। हम तो हमेशा आपको यहीं पे देखते हैं सोशल मीडिया में आपके। सवेरे हम उधर चेकिंग किए थे, फिंगेश्वर रोड बागबाहरा यहाँ पे। भाग को मालूम है कि आप यहाँ पे पेट्रोलिंग? वो तो रसीद काट रहे जी। नहीं, रसीद काट रहे? रसीद में कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे कहीं पे शेर गांव लिखा है बताइए? शेर गांव इसमें नहीं लिखा रहता। हमारा स्थान का पता चलेगा फिर आप यहाँ पे पंचनामा लिखे रह, पंचनामा जैसे भरते हैं जी। ये शेर गांव लिखा है और ये पंचनामा है, ये कोर्ट का बनता है ये जी। तिवारी जी, अभी कितने लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है? अभी 7 लोगों के खिलाफ हुआ है। अब इनको पुलिस क्या करती है देखते हैं। ये जा रहे हैं यहाँ पे, ये तीन सवारी जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हेलमेट है, लेकिन इनको नहीं रोका जा रहा है। इनके पास लाइसेंस है, ये नहीं है, इसे चेक नहीं किया जा रहा है। इन्हें देखिए, बिना हेलमेट के इधर जा रहे हैं, वहाँ पे लोग खड़े हैं, तमाम लोग हैं। यहाँ पे हेलमेट जो पहन के जा रहे हैं उनको रोका नहीं जा रहा है, उनके पास लाइसेंस है, ये चेक नहीं किया जा रहा है। उधर देखिए, काफ़ी लोग वहाँ से लौट के जा रहे हैं। भाई ज़रूरी है हेलमेट लगाना, ज़रूरी है लाइसेंस के साथ। ये देखिए, ये बंदा स्पीड से निकल रहे हैं। यहाँ पे एक ही यहाँ पे यातायात जो है, इस यहाँ पे जवान मौजूद है। ये देखिए, कार यहाँ से जा रही है लेकिन कार को चेक नहीं किया जा रहा है ना। अब उन्हें रोका गया है मीडिया को देखने के बाद। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर यहाँ पे चेकिंग होता है? हाँ होता है, सुबह शाम। सभी को रोका जाता है? सभी को रोका जाता है, छोड़ दिया जाता है। कैसे छोड़ते हैं? हेलमेट पहन रहा था उसको छोड़ता है।
और बाकी लोग का पकड़ लेता है। यहीं पर कर रहे हैं ये? हाँ, यहीं पर करता है, सुबह से 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे यातायात चेकिंग तो हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग जो है निकल जा रहे हैं, क्योंकि सघन जिसको चेकिंग कहा जाता है, बाकायदा यहाँ पे बैरिकेड लगाना चाहिए, क्योंकि स्पीड से निकल रहे हैं। देखिए, कभी भी कोई बड़ी हादसा इनके साथ भी हो सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो डर के कारण जो है स्पीड बाइक चलाए, और इन्हें जो है एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे बैरिकेड के बारे में आइए जानते हैं सर से कि सर, देखिए बहुत लोग स्पीड से निकलते हैं डर की वजह से। कोई स्पीड में नहीं निकल रहा है, आप स्वयं खड़े, पुलिस चेकिंग करती है, यातायात चेकिंग है, इसमें बैरिकेड नहीं लगता, शहर में लगता है। अच्छा, शहर में लगता है, नहीं तो जैसे स्पीड से निकलते हैं, हम आप ही के जवान के बारे में कर रहे हैं, कोई अगर स्पीड से निकल रहा है, कहीं ठोक दिया तो? क्यों ठोकेगा भाई, कभी भी वह संभावना में मत चलो ना जी। आप संभावना में मत चलिए, संभावना में बहुत कुछ हो सकता है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखिए, संभावना के आधार में। एसपी साहब को मालूम है यहाँ पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल मालूम है जी। चलिए, तो एसपी साहब से भी जानकारी लेंगे यहाँ पे जो कार्रवाई हो रहा है। हालांकि ये कार्रवाई बिल्कुल ही ज़रूरी है, ताकि इस कार्रवाई से लोगों को सबक मिल सके कि बिना हेलमेट का चलना, बिना लाइसेंस के चलना उनके लिए कितना नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था फिलहाल नहीं है। देखते हैं कि उच्च अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, और लगातार यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के कारनामों को देख हमने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से बात किए, तो उन्होंने कहा कि रोज रोज चेकिंग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसकी जांच करने की बात की। मैं शेख इमरान बोल रहा हूँ। हाँ। ग्लिप न्यूज से, सर एसपी जी से बात हो रहा है? हाँ। महासमुंद जा रहे थे, देखे कि गरियाबंद और महासमुंद जिला बॉर्डर पर जो ग्राम शेर गाँव है, जब हमने खबर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो विधायक विमल चौधरी भी वहाँ पे, उन्होंने जानकारियाँ ली तो वहाँ पे कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया सर। तो उनसे हमने पूछा कि सर आप यहाँ पे चेकिंग करते हैं तो एसपी साहब को मालूम है क्या? तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। तो हम चेकिंग के लिए क्या होता है ना, चेकिंग के लिए कभी हर जगह मेरे नॉलेज में होना जरूरी शेर गाँव पे ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए वहाँ पे चेक पोस्टिंग बन गया है, हमेशा आता है, इस तरह का लगता है सर। आप अगर हमेशा जैसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा जैसा तो कुछ भी नहीं होता, कहीं कोई नाका थोड़ी लगा है वहाँ की डेली, वहाँ आरटीओ की तरह हम गाड़ी चेक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहता। क्योंकि हम रोज आना जाना करते हैं सर, महासमुंद और गरियाबंद का रहता है, लेकिन हम देखते हैं रोज, कभी शाम को, कभी 12 बजे, कभी दोपहर को, रोज वो खड़े रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि चलो चेकिंग तो जरूरी है, हर जगह रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिति ये आ गई थी कि लोगों का शिकायत, कुछ लोगों को छोड़ना, मालूम है सर अवैध वसूली, बहुत सारे बातें आती हैं, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा होती है सर, पुलिस और जनता के बीच विश्वास खोने लगता है। और ये मतलब अगर ये महासमुंद राजीव रोड है तो इसका मतलब महासमुंद के स्टाफ रहेगा जी? जी हाँ, महासमुंद एरिया में ही थे सर, जाम गांव जो है महासमुंद एरिया में पड़ता है, और नदी उस पार जो है गरियाबंद, तो अपने एरिया में महासमुंद की पुलिस वहाँ पे खड़े रहती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ताकि जनता को राहत मिले। जैसा नहीं होना चाहिए, रोज जैसा तो कोई सवाल ही नहीं कि रोज वो खड़े रहे, अगर पिछले 4 दिन से खड़े कंटिन्यू तब समझ में आता है गाड़ी लेने के, वो तो कोई जरूरी नहीं, कोई भी हो सकता है, ऐसा ही है, मतलब कोई कर रहा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रोज चेकिंग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पता करता हूँ क्या है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मौके पर महासमुंद विधायक विमल चोपड़ा भी अचानक पहुंचे और गंभीरता से राहगीरों को शिकायत सुनाते ही यातायात पेट्रोलिंग टीम से सवाल जवाब किए। वाहन चेकिंग में लगे पुलिस वालों के पास कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं था, और जब विधायक ने उनके गाड़ी का कागजात मांगे तो यातायात पुलिस वाले कोई जवाब नहीं दिया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने वाहन चेकिंग में लगे पुलिस वालों के ऊपर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए, देखिए इस रिपोर्ट में। रोके हैं कई बार में फैमिली सही रोके हैं सर, रोके हैं, लेकिन गांव के नाम बताए छोड़े छोड़े, बाकी ना का मतलब कौन रोक सकता है, चेकिंग कौन कर सकता है, कानून में क्या है ये मेरे को, या लिखित आदेश है तो आप मेरे को बता दो भाई, ये लिखित आदेश है, चेकिंग का अधिकार ट्रैफिक से एएसआई के लेके ठीक है। आप लोग जहाँ भी करते हैं या तो एक स्पॉट फिक्स होना चाहिए, वहाँ कैमरा लगा हो,
कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये गतिविधि लोगों को पता चल, अब ये खेत से आ रहा है तो कोई बेचारा, खेत वालों को तो हम लोग रोकते ही नहीं है। जब अभी बताया ना कहाँ गया वो बच्चे वापस चल रहे थे, बच्चे वो थे आप आए हो गए थे वहाँ खड़े थे ना, जरूर आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ मैं, ठीक तो बोल रहे हो तुम, आज की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुंह में बंद कर लूंगा क्या, सिर्फ जो है मोटरसाइकिल का कटा की ट्रक उरक का भी नहीं, मोटरसाइकिल ट्रक उरक क्यों नहीं, बाकी गाड़ियां सुनो, तो मैं शेर गाँव रहता हूँ, ऐसे जिसे फोन करे बात करवाए तभी परेशान है यार हर जगह, अब ये पेट्रोलिंग गाड़ी है, पेट्रोलिंग गाड़ी को पेट्रोलिंग करना है, ये तो खड़े हैं यहाँ, यहाँ पे कैसे रोक रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं उसको रोक रहे हैं, बाकी लोग को जाने दे, यही बात है, मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए लेको अवैध बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोगों से भी पैसा ले लेते हैं सारे लोग, ये क्या तरीका है, कई बार बच्चे मेरे ना वापस गए हैं पुलिस चेकिंग है करके, बहुत सारे उधर कागज, पहली गाड़ी चाबी निकालते हैं, चाबी पहले निकालते हैं लोग, बाद में पैसे की मांग करते हैं, आदमी है लोग इस तरीके से, कौन सब नहीं, लेकिन लाइसेंस से लेके इसका बीमा सब चीज तो होना चाहिए ना भाई, सब एमटी शाखा में जमा है ना, शाखा में क्यों, गाड़ी में रहना चाहिए जैसे आम आदमी का गाड़ी। एक लंबे समय से दोनों जिले के सीमा पर यातायात पेट्रोलिंग दल घटना एक ही स्थान शेरगांव के पास खड़े होकर वाहन चेकिंग करते हैं, हैरानी की बात तो यह है कि एक दिन में घंटों वाहन चेकिंग की कार्यवाही कर सिर्फ 7 लोगों पर मोटर व्हीकल के तहत कार्यवाही करते हैं, महासमुंद राजे मुख्य मार्ग में प्रति मिनट दर्जनों लोगों का आना जाना करते हैं, यातायात पुलिस के कारनामों को देख विधायक विमल चोपड़ा से संवाददाता शेख इमरान ने खास बातचीत की, इस दौरान विधायक ने शासन प्रशासन को अपने तीखे सवालों में घेरा, लगातार विधायक विमल चोपड़ा यातायात में लगे पुलिस वालों की पोल खोल चुकी है कि किस तरह वो अवैध वसूली करते हैं, किस तरह लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पेट्रोलिंग जो टी पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग की जो वाहन है यहाँ पे महासमुंद और गरियाबंद के बॉर्डर पर ये चेकिंग कर रहे थे, विधायक यहाँ पे पहुँच के तमाम चीज़ की जानकारी ली, यहाँ पे देखे हैं विमल जी कि बहुत लोग परेशान होते हैं, कई लोग को छोड़ दिया जाता है, अवैध वसूली की भी शिकायत आ चुकी है, तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ती है जो ये पेट्रोलिंग टीम को यहाँ घंटों खड़े होकर कार्रवाई करने की नौबत आ जाती है। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, पेट्रोलिंग वाहन है पेट्रोलिंग करे, घूमे और उसको अपनी पेट्रोलिंग के लिए भ्रमण करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार देखा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से कहीं भी खड़े होकर के किसी भी स्थान पर कोई भी चेकिंग करने लग जाता है, एक पुलिस वाला जो अधिकार भी नहीं है जिसको, सिपाही भी है वो भी कहीं खड़े हो जाते हैं और वसूली का कार्यक्रम चालू हो जाता है, इस प्रकार की शिकायतें हमारे क्षेत्र में लगातार लंबे समय से आ रही है और इसके बारे में हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, सभी को कहा है, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगती, क्योंकि यहाँ प्रशासन ऐसा हावी है कि वो ना तो जनप्रतिनिधियों की सुनता ना जनता की सुनता है, और इसलिए जनता में धीरे धीरे सरकार के प्रति भी आक्रोश पनप रहा है कि सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है और जो सरकार के पक्ष के नेता हैं वो इसके लिए बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, जो खेत में किसान जा रहा है उसको तकलीफ है, जो डीजल लाने जा रहा है किसान उसको तकलीफ है, पढ़ने कोई बच्चा लाइसेंस लेके भी जा रहा है तो थोड़ी सी बात को कुछ भी निकाल करके उसमें जुर्माना कर दिया जाता है, वसूली होती है सीधी सीधी, रसीद भी नहीं दी जाती है, ये ऐसी शिकायतें आम यहाँ पर आ रही है जो बड़ा हमारे लिए चिंतनीय विषय है, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, उसको प्रशासन तक पहुँचाते हैं, लेकिन प्रशासन को अपनी जेब गर्म करने के सिवाय कोई मतलब नहीं है और प्रशासन शासन के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। नहीं, सवाल तो जनता यहाँ खुद खड़ा कर रही है कि किस प्रकार से यहाँ कार्रवाई हो रही है और इसमें कार्रवाई जो है प्रशासन को फिक्स कर देनी चाहिए, इन इन स्थानों पर ही चेकिंग होगी और वहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे होना चाहिए कि हाँ यहाँ नहीं लगा है कैमरा और
जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और जो चेकिंग कर रहा है वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए और वो जो है सार्वजनिक होना चाहिए। नेट पे कोई भी देख सकता है कि कहाँ चेकिंग हो रही है, क्या हो रही है, और तो फिर उसके बाद कोई भी कहीं ना कहीं ये यातायात पेट्रोलिंग पुलिस है, इनको घूमना चाहिए क्योंकि रूट है, कहीं पे घटना दुर्घटना कोई गाड़ी जाम हो जाती है तो घंटों यहाँ पे खड़े रहते हैं। अब वही है, घंटों यहाँ खड़े रहने का मतलब भी नहीं है, इनको पेट्रोलिंग करना चाहिए, घूमना चाहिए, दो चार मिनट रुक गए बात अलग, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया तो उसके लिए यह है, कहीं लूटपाट हो गई, कहीं कुछ हो गया, चोरी हो गई तो पेट्रोलिंग पार्टी उसके लिए रहते हैं। ये यातायात चेकिंग छोटे से काम और बड़े जो अपराध हैं वो जो है घटित हो जाते हैं। तो यह विधायक विमल चोपड़ा जो यहाँ पे मौजूद जो लोग परेशान खड़े थे उनको देखकर ये रुक गए, कहीं इनका दौरा था, और रुक कर बकायदा जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो पुलिस है उनसे तमाम तरह की जानकारी ली, धाराएं पूछी। और चूंकि विधायक जी का साफ ये कहना है कि जिस जगह पर पेट्रोलिंग पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करे तो वहाँ बकायदा कैमरा लगा होना चाहिए ताकि आपराधिक गतिविधियों पर उनकी नज़र हो सके, लेकिन यहाँ पे कुछ कैमरा नहीं लगा है, लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं, लगातार यहाँ शिकायतें मिलती है। हालांकि विधायक के पहुँचने के बाद बहुत से लोगों को राहत मिली है। इस तरह की कार्रवाई होती है जहाँ पे जाँच पेट्रोलिंग का टीम जाँच करती है वहाँ पे एक पॉइंट सुनिश्चित करे ताकि लोगों को पता हो, और दो तीन यहाँ पे पुलिस हैं ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं वो सिर्फ यहाँ खड़े होकर घंटों कार्रवाई करते हैं और एक घंटा में सिर्फ 7 लोगों पर कार्रवाई करते हैं, जो सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। देखते हैं कि अब जो है जिला प्रशासन इस पर क्या नए कदम उठाते हैं। glif.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान, महासमुंद। glif.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glif.in.